एक समय की बात है, एक गांव में एक नहर हुआ करते थे। उस नहर के पास एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर ढेर सारे आम लगते थे। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को आम बहुत पसंद थी। वह पूरी सर्दी इंतजार करती थी कि कब गर्मी आए और उसे आम खाने को मिले। इस साल भी उस चुड़ैल को गर्मियों का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही गर्मी आती है और पेड़ पर आम लगना शुरू हो जाते हैं, वह चुड़ैल खुशी से झूम उठती है। अरे भाई क्या बात है, क्या देख रहे हो? अरे आम का पेड़ कुछ ज्यादा ही झुक गया है, हम इसे देखने आए हैं। हाँ, अब गांव वाले चाहते हैं कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाए, तो इसलिए हम इसको काटने आए हैं। पेड़ को काटने वाली बात सुनकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल घबरा जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं किस पर रहूंगी और आम कैसे खा पाऊंगी? मोहन और हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। चुड़ैल यह सब उस पेड़ पर बैठी देखती रह जाती है और कुछ ही देर में वो पेड़ कट कर नीचे नदी में गिर जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ती और वह भी पेड़ के साथ नदी में गिर जाती है। चुड़ैल को आखिरकार उस पेड़ को छोड़कर नदी से बाहर आना ही पड़ता है। अब उस चुड़ैल को आम की भूख लगती है। वह दिखती है कि कहीं कोई आम के पेड़ पर आम लगे मिल जाए तो वह आम खाकर अपनी भूख मिटा सके, और उसे कहीं किसी पेड़ पर आम नहीं मिलते। वह चुड़ैल परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रही होती है। रात को जब चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है तो उसको मोहन दो थैलियों में आम ले जाता दिखता है। चुड़ैल की आंखें इतनी सारे आम देखकर चमक उठती है। आम की लालच में मोहन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाती है। मोहन घर पहुँच कर अपने बच्चों को आवाज देता है। पिंकू, पिंकी, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, आम! अब हम सब खाना खाने के बाद आम खाएंगे। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद ही पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है। उसके पेट के चक्कर में सबका आम ध्यान से हट जाता है। काफी रात में जाकर पिंकी का दर्द ठीक होता है और सब सो जाते हैं। सारे आम अब ऐसे ही रसोई में रखे रह जाते हैं। सबके सोने के बाद अब चुड़ैल बाहर आती है और रसोई में जाती है और आम देखकर खुशी से पागल हो जाती है। चुड़ैल जल्दी से आम निकालकर खाने लगती है। धीरे धीरे करके वह चुड़ैल दोनों थैलियों के सारे आम खा जाती है और वहां पर छिलके और गुठलियां रह जाती है। चुड़ैल आम खाकर वहां से निकल जाती है। अब अगली सुबह पिंकू और पिंकी स्कूल के लिए उठते हैं। अब जैसे ही पिंकू की माँ आम लेने जाती है तो गुठलियां और छिलके देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर पिंकू को आवाज देती है और पिंकू को डांटने लगती है। तुमने ये रात को सारे आम खा लिए ना? मैंने तो एक भी आम को हाथ नहीं लगाया माँ। कल रात को पिंकी के पेट में दर्द हुआ इसलिए हमने आम खाए ही नहीं थे। एक दो दिन में वह यह बात भूल जाते हैं, पर चुड़ैल रोज कहीं ना कहीं से अपने आम खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। कभी किसी के घर घुसकर आम खाती तो कभी किसी के गांव के लोग बड़े ही अचंभे में थे कि आखिर आप गायब कहां हो रहे हैं। फिर एक दिन कुछ औरतें कुएं के पास खड़ी थी। जाने क्या हो रहा है हमारे तो पड़ोस में, क्या हुआ बहन? अरे दो बार से हमारे घर से आम गायब हो रहे हैं। मुझे तो ये कोई मंकी मैन का काम लग रहा है। एक बार मैंने सुना था कि शहर में मंकी मैन घूम रहा है। सभी औरतें इसी तरह बेकार की बातें करती रहती है। और एक दिन गांव वाले उस आम चोर को पकड़ने का योजना बनाते हैं। और एक दिन गांव वाले बिच गांव में एक आम के टोकरी रख देते हैं और उसके आसपास जाल बिछा देते हैं। और थोड़ी देर बाद वहां आम चोर चुड़ैल आ जाती है। आम की टोकरी देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है और जल्दी से सारे आम खा जाती है। आम खाने के बाद सिर्फ छिलके और गुठलियां रह जाती है और गुठलियां देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह काम चोर या किसी बंदर की नहीं है,
यह काम चुड़ैल की है। अब सारे लोग मिलकर जाल को खींचते हैं और उसमें चुड़ैल फंस जाती है। हाय, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आया? ये क्या हो रहा है? तेरी वजह से हम गांव वाले कितने दुखी हो गए हैं। हम अपने लिए आम लेकर आते हैं और तू रात को आकर उन्हें सफा चट कर जाती है। तुम लोग ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो हमने क्या बिगाड़ा है? आम तू हमारे चुरा रही है और उल्टा हमें बोल रही है। और आज तक मैंने किसी को कभी परेशान नहीं किया, पर तुम दोनों एक दिन वहाँ आए और उस पेड़ को ही काट डाला। मेरा घर और मेरा आम दोनों मुझसे छीन लिए। हमें पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर तुम रहती हो, और हमने तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा किया। उसके बाद गांव वाले को एहसास होता है कि यह गलती हम लोगों की ही है और चुड़ैल को आजाद कर देते हैं।